So, सो वेलकम टू शक्लाइटी पॉइंट दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुक्लाइटी पॉइंट में मैं स्वयं शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है मैं अभिनंदन करता हूं आज की वीडियो में दोस्तों बात करेंगे हम मॉडल पेपर 2020 और इक्कीस का है ये बीए ए थर्ड ईयर जो है आपका है उसके बाद में भूगोल यानी जियोग्राफी का मॉडल पेपर है ये तृतीय प्रश्न पत्र मतलब थर्ड जो पेपर होता है उसके अंतर्गत जो खंड आ है सेक्शन ए है उसके तहत जो है हम पढ़ते हैं दक्षिण पश्चिम एशिया तो उसी से रिलेटेड आज जो प्रश्न पूछे जाएंगे वही होगा दोस्तों ये मॉडल पेपर के तौर पर आपका कार्यरत होगा क्योंकि इसमें जो प्रश्न है ये आ भी सकते हैं और जो है किसी परीक्षा मतलब इससे जैसे 2018 का जो पेपर है 2019 का पेपर देखा जाए तो इस इन जो मैं यहाँ पे क्वेश्चन ले रहा हूँ इनसे क्वेश्चन आए भी हैं तो ध्यान से वीडियो देखिएगा और ये जितने भी प्रश्न हैं इनको आप जो है एक कॉपी और पेन लेके बैठिए और उसको नोट डाउन कर लीजिए उसके बाद में उन प्रश्नों को आप ढूंढ के जो है आप उसको पढ़ सकते हो अगर वो प्रश्न आपको नहीं मिलते हैं तो आप इस वीडियो के अंतर्गत तो कमेंट करिएगा मैं उन सभी प्रश्नों को करवाऊँगा जो आज की वीडियो में प्रश्न मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ आइए देखते हैं वो कौन से इम्पोर्टेंट प्रश्न है और सेक्शन सी के अंतर्गत मतलब सेक्शन तृतीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत जो सेक्शन ए होता है उसके अंतर्गत किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं दक्षिण पश्चिम एशिया के अंतर्गत ठीक आइए चर्चा करते हैं तृतीय प्रश्न पत्र खंड आ दक्षिण पश्चिम एशिया नोट सभी खंडों के उत्तर निर्देशानुसार देना है आपको और ध्यान रखिएगा मैं बार बार बताता हूँ कि नोट जरूर आप पढ़ लेना है कि नोट में क्या लिखा है क्योंकि उसी के अनुसार आपको जो है प्रश्न पत्र के आंसर देने होते हैं और परीक्षक के सामने अपने आप को रिप्रेजेंट करना होता है ठीक बात करते हैं खंड आ की तो खंड आ में जो है दस प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि प्रश्न एक के अंतर्गत आते हैं मतलब एक पहला प्रश्न है जैसे कि ये देखिए यहाँ पे और इसके अंतर्गत जो है रोमन शैली में यहाँ पे जो है एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस इस तरीके से लिखे हुए हैं तो नोट डाउन इसमें भी लिखा सेक्शन ए के अंतर्गत कुछ नोट लिखा है यहाँ पे इसको भी पढ़ लेते हैं लिखा है कि सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए प्रत्येक प्रश्न का उत्तर कितने शब्दों में होना चाहिए लगभग पचास शब्दों में होना चाहिए मतलब आपको जो है लिमिट दे रखी कितने वर्ड की तो पचास वर्ड्स की जो है लिमिट दे रखी है एग्जामिनर ने तो इसी के अकॉर्डिंग आपको उत्तर देना है और ध्यान रखिएगा आपकी लेखनी ही आपका व्यक्तित्व का निर्धारण आपके व्यक्तित्व का निर्धारण करती है परीक्षक के सामने क्योंकि आप परीक्षक के सामने ना होकर के अपने अपना एक माध्यम भेजती हो उसके पास वो माध्यम होती कॉपी कॉपी में जितने अच्छी तरीके से आप लिखोगे उतना अच्छा परीक्षक आपको समझेगा और उतनी योग्यता वो समझेगा कि बच्चे के अंदर इतनी योग्यता है ठीक तो आपको रिप्रेजेंट किस प्रकार से करना है और आपकी भाषा शैली किस प्रकार से होनी चाहिए इस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा आने वाले समय में ठीक देखिए दोस्तों प्रश्न एक के अंतर्गत आपका पहला प्रश्न जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट के तौर पर आता है इसराइल की रिप्ट घाटी और दोस्तों ध्यान रखिएगा इसराइल एक देश है और रिफ्ट घाटी मतलब होता है रिफ्ट वैली इसको इंग्लिश में रिफ्ट वैली बोला जाता है और रिफ्ट घाटी जो है इसको हिंदी में बोला जाता है और ध्यान रखिएगा दोस्तों रिफ्ट घाटी और उसके बाद में हार्स माउंटेन ब्लॉक माउंटेन उसके बाद में भ्रंस घाटी ये सारे के सारे जो है जब हम फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं जियोग्राफी तो वहाँ पर क्लियर रूप से पढ़ा होगा कि रिफ्ट वैली क्या है ठीक है भ्रंश पर्वत क्या है भ्रंतोस्त पर्वत क्या है ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं बी फर्स्ट ईयर में ठीक तो जाहिर सी बात है आपको पता होगा अगर नहीं पता है तो हमारी वीडियो में हमने दो तीन वीडियो में बताया भी है वैसे भी जब क्या होता है कि दो बल दो पिंड हैं ठीक और इन दोनों पिंडों के बीच में क्या होता है इधर इधर को फोर्स लग रहा है ठीक और ये बीच में भी जो है जगह होती है मतलब बीच कभी ये जुड़ा हुआ है ठीक और क्या होता है तो जब इधर से इधर को फोर्स लगता है और इधर से इधर को फोर्स लगता है तो क्या होता है दोस्तों तो ये जो बीच वाला भाग है ये थोड़ा कमज़ोर होता है इन दोनों की अपेक्षा तो ये क्या होगा या तो ऊपर उठ जाएगा अगर दोस्तों ये ऊपर उठ जाता है तो भ्रंतो मतलब भ्रंश पर्वत बोल बोला जाता है इसको या फिर ब्लॉक माउंटेन बोला जाता है ठीक सॉरी भ्रंशोत्स भ्रन, भ्रन, पर्वत बोला जाता है ठीक अगर यही जो है जो ये यह यहाँ पे ऊपर उठ गया है यही ऊपर ना उठ करके ये क्या हो जाए नीचे की ओर धंस जाता है दोस्तों तो इसी को रिप्ट वैली बोला जाता है तो ध्यान रखिएगा दोस्तों इस बात को कि रिप्ट वैली क्या है तो अगर नीचे को धंस जाए तो रिप्ट वैली अगर ऊपर उठ जाए तो भ्रंश पर्वत होगा ठीक तो ये बात इतनी ध्यान रखिएगा आप लोग ठीक और हम बात करते हैं तो वही आपको समझाना है इसराइल की वैली क्या है ठीक तो पचास शब्दों में इसको समझा देना है कि इसराइल की वैली जो है कहाँ पे है ये सारी चीज़ें आपको बता देनी है और कौन कौन सी है वो भी आपको नोट डाउन थोड़ा बहुत कर देना है अगला है दोस्तों कि इराक में खजूर की कृषि इराक में खजूर की कृषि पर आपको पचास शब्द लिखने हैं तो कि आप बिल्कुल लिख सकते हो अगर इराक की की खजूर के बारे में आप पढ़ा होगा क्योंकि इसके अंतर्गत पढ़ाया जाएगा मैं बताऊंगा सारी चीज़ें पढ़ाऊंगा आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है मैं सब चीज़ें पढ़ाऊंगा बस आप वीडियो को लाइक करते रहिए ताकि मुझे ये पता चलता रहे कि हमारे पास जो है ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि पढ़ना चाहते हैं वो भी बीए फर्स्ट ईयर का सिलेबस पूरा पढ़ना चाहते हैं मैं दावे के साथ कहता हूँ अगर आप बीए अगर सही से पढ़ लेते हो तीन चार सब्जेक्ट में एक दिन इस पर वीडियो बनाऊँगा कि बी बीए में जो सब्जेक्ट हैं कि आखिरकार बी में कौन से सब्जेक्ट लें जिसके अंतर्गत क्या हो पढ़ने को जिस जैसे आई जो परीक्षा होती है अगर उसकी आप तैयारी करना चाहते हो तो बीए फर्स्ट ईयर में कौन सा सब्जेक्ट लें क्योंकि बीए का जो सब्जेक्ट होता है वो एकदम से क्लियरटी रूप से पढ़ाया जाता है और यहीं से बीए अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हो दोस्तों तो ये जो क्या बोलते हैं आई की परीक्षा है इसका जो मेन्स जो पोर्सन होता है वो आप अच्छी तरीके से लिख पाएंगे और अच्छी तरीके से समझ पाएंगे ठीक तो ध्यान रखिएगा आपका बेस मज़बूत हो जाएगा इसको पढ़ने के बाद में वैसे हालाँकि एन वगैरह पढ़ने से बेस मजबूत होता है लेकिन यहाँ पर पढ़ने से आपकी भाषा भी बहुत अच्छी हो जाएगी कि लिखना किस प्रकार से आखिरकार ठीक तो यह बात यहां पे ध्यान रखने योग्य है तो दोस्तों बीए भी बहुत ही महत्वपूर्ण जो है जो है विषय वस्तु है बीए आपको पढ़ना चाहिए लोग कहते हैं सभी लोग जो है बी एस जो करता है स्टूडेंट उसको जो है हीन भावना से थोड़ा देखते हैं लोग लेकिन मैं मानता हूं कि बीए पढ़ने से सामाजिक नीति नैतिकता सामाजिकता एवं जो है बोलने चालने का ढंग समाज में वो अपने अंदर जो है जागृत होता है अगर आप बीए से रिलेटेड सब्जेक्ट पढ़ते हो तो अगर आप जो है बीएससी पढ़ते हो तो केमिस्ट्री पढ़ लिया तो केमिस्ट्री का उपयोग किसी अगर कोई बड़ा आदमी आ गया आपके सामने तो उसके सामने आप ये नहीं बताओगे कि इंटू ट्वेंटी फोर एच टू आप फेडकरी का सूत्र आपसे कोई नहीं पूछेगा जल्दी ना आपसे कोई पूछेगा कि पाइथागोरस परमिया बताइए ना आप इससे पूछेगा कि जो है उसको बताइए आप जो है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रोड बी स्क्वायर फोर ए वन टू ए जो होता है इंटर हाई स्कूल में लगता है ठीक श्रीधराचार्य जिसको बोला जाता है विवेदकर डी पूछा जाता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ठीक है तो ये सारी चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं ये सारी चीज़ें जो है वो लोग नहीं पूछते हैं अगर आप हिंदी साहित्य के स्टूडेंट हैं तो हिंदी साहित्य का अगर कहीं पर बात कर रहे हो अगर हिंदी साहित्य का एक दोहा या तुलसीदास का या फिर एक चौपाई दे देते हो या फिर रामधारी सिंह दिनकर या फिर अन्य सारे कवि मैथिली सड़गुप्त जयशंकर प्रसाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल बहुत सारे लोग हैं इनका अगर एक भी वक्तव्य भी आप जो है बता देते हो तो आपको क्या देखेंगे लोग आपको आप लगेगा उनको कि हाँ बच्चे के अंदर ज्ञान है ठीक तो इसलिए बीए पढ़ना बहुत ज़रूरी है और जो लोग बीए पढ़ रहे हैं जो आज मुझे मुझे सुन रहे हैं वो इस बात से गर्व महसूस करिए कि मैं बीए पढ़ रहा हूँ और बीए में अगर आप हिंदी साहित्य ले रखे हो तो बहुत बड़ी बात है क्योंकि हिंदुस्तान में रहकर अगर हिंदी नहीं पढ़ा आपने तो कुछ नहीं पढ़ा ठीक बहुत सारे ज्ञान बहुत सारा चीज़ आपको प्राप्त होता है जब हिंदी साहित्य पढ़ते हो मैंने नहीं कहता हिंदी साहित्य ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पढ़ने के लिए आप जियोग्राफिक पढ़ते हो तो उसके तहत भी बहुत सारा ज्ञान प्राप्त होता है कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसको पढ़ने से आपका ज्ञान अर्जन ना होता हो हर सब्जेक्ट अपने आप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और अपने आप में एक बहुत बड़ी विषय वस्तु हर एक सब्जेक्ट होता है हर एक सब्जेक्ट में व्यक्ति की रुचि बढ़ती जाती है जैसे वो पढ़ता जाता है लेकिन पढ़ने वाला स्टूडेंट होना चाहिए दोस्तों अगला है तो इराक में खजूर की कृषि पर आपको पचास शब्दों में टिप्पणी करनी है अगला है दोस्तों कि अदन की स्थिति का महत्व बताना है और चौथा है दोस्तों कि तुर्की में जनसंख्या वृद्धि के कारणों को आपको दिखा दिखा देना है और उसके परिणाम क्या हैं नकारात्मक प्रभाव सकारात्मक प्रभाव मतलब जितने आपके पचास शब्दों में अट जाए मतलब हो जाए वैसे आप कर सकते हो अगला है दोस्तों इसराइल का फलोत्पादन इजराइल में किस प्रकार का फलोत्पादन है मतलब फल का उत्पादन किस प्रकार से हो रहा है उसको आपको बता देना है अगला है दोस्तों सऊदी अरब के प्रमुख बंदरगाह तो सऊदी अरब के प्रमुख बंदरगाहों के बारे में आपको पचास शब्दों में चर्चा कर देनी है ठीक अगला प्रश्न है दोस्तों ईरान के प्रमुख प्राकृतिक क्षेत्र गैस क्षेत्र ठीक तो आपके प्रमुख प्राकृतिक गैस क्षेत्र जो प्रकृति के द्वारा प्रदत्त है उस गैस क्षेत्र का वर्णन कर देना है पचास शब्दों के अंतर्गत ठीक आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगला प्रश्न है कि एशिया का प्रवेश द्वार एशिया के प्रवेश द्वार के बारे में आपको चर्चा कर देनी थोड़ा बहुत ठीक तो दोस्तों एशिया के प्रवेश द्वार के बारे में आपको बता देना है मैं सब सारी चीज़ें पढ़ाऊंगा आप टेंशन बिल्कुल भी मिल लीजिए इसको बस नोट डाउन कर लीजिए और एक एक कमेंट में करते रहना कि सर ये इस क्वेश्चन का आंसर आप वीडियो इस बना दीजिए ठीक एक एक क्वेश्चन पर एक एक वीडियो आराम से बना देंगे थोड़ा थोड़ा पाँच पंद्रह दस मिनट का ठीक उसको आप ध्यान से पढ़िएगा अगला है नवा नंबर प्रश्न कि स्वेज नहर का दक्षिण पश्चिम एशिया के लिए क्या महत्व तो है स्वेज नहर व्यापारिक दृष्टि से किस प्रकार से इम्पोर्टेंट है औद्योगिक दृष्टि से क्या क्या भूमिका निभाती है स्वेज नहर और साथ ही साथ जो है आयात निर्यात में कितनी अहम भूमिका निभाती है शेयज नहर कितनी दूरी कम लगती है ये सारी चीज़ें हैं बहुत सारी चीज़ें हैं इस पर आप लिख सकते हो बहुत अच्छे तरीके से और दक्षिण पश्चिम एशिया की प्रमुख खाद्यान्न फसलें तो दोस्तों ये दस के दसों प्रश्न आपको करने होते हैं पचास पचास शब्दों में आपको लिखना होता है पचास से उनचास हो जाए पैंतालीस हो जाए चालीस हो जाए चल जाएगा साठ हो जाए चल जाएगा इतना टेंशन नहीं लेना है कि पचास शब्दों में आपको लिखना है अगर आपके जो है दो तीन चार शब्द ज़्यादा हो जाते हैं दस शब्द ज़्यादा हो जाते हैं कोई दिक्कत नहीं उससे दस बार दस शब्द कम हो जाते हैं उससे भी कोई दिक्कत नहीं जैसे हिंदी साहित्य में अगर क्वेश्चन पूछा पूछाता तो इसी तरीके से कि प्रेमचंद की कितनी चार रचनाओं को लिखिए अब चार रचना लिख लिखने के तो क्या पचास शब्द हो जाएंगे नहीं बस वही तो है प्रेमचंद जी जो है बहुत प्रसिद्ध कहानीकार हैं बहुत प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं ये सारी चीज़ें बता करके तब उसको लिखना होता है इस तरीके से होता थोड़ा बहुत ठीक हम लेखन शैली के पे वीडियो भी बनाएंगे लेखन शैली बताएंगे आपको किस से परीक्षा में लिखा जाता है अगला है दोस्तों खंड बा और खंड बा के अंतर्गत देखिए दोस्तों नोट है नोट पढ़ते हैं सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग दो सौ शब्दों में आपको देना है ठीक है दोस्तों तो दो सौ शब्दों में आपको देना है इस प्रश्न का उत्तर तो देखिए दोस्तों पांच शब्द होंगे और पांच प्रश्न होंगे और पांचों प्रश्न जो है दो दो प्रश्न होंगे एक एक के या फिर इस प्रश्न को करिए जैसे कि दूसरा प्रश्न है तो दक्षिण पश्चिम एशिया में शक्ति के संसाधनों का वर्णन कीजिए अथवा सऊदी अरब के, के अर्थतंत्र पर प्रकाश डालिए तो चाहे ये दक्षिण पश्चिम एशिया में शक्ति के संसाधनों का आपको वर्णन कर देना है या फिर अगर आपको ये नहीं पता होता है तो अथवा करके जो प्रश्न दिया है कि सऊदी अरब के अर्थतंत्र पर प्रकाश डालिए इसको आपको कर देना है ठीक तो इसको भी जो है आप इसको भी कर सकते हो अगला है तीसरा प्रश्न है कि टर्की को एशिया तथा यूरोप के मध्य सेतु क्यों कहा जाता है तो टर्की को एशिया तथा यूरोप के मध्य सेतु क्यों कहा जाता है दोस्तों अगर ये प्रश्न आपको पता है तो आप लिख दीजिएगा अगर नहीं पता होता तो अथवा करके ये प्रश्न भी दिया होगा नीचे कि इराक के प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों का वर्णन कर करना है आपको क्या फिर कर देना है मैं ये नहीं कहता यही प्रश्न इसके अथवा में दिया होगा लेकिन कोई और प्रश्न दे सकता है ठीक तो ये सारे के सारे प्रश्न इम्पोर्टेंट है तो सो इसको सब आप लोग याद कर लीजिएगा और मैं इस पर भी सारे पे वीडियो बनाऊँगा सब प्रश्न करवाऊँगा धीरे धीरे करके ठीक अगला है दोस्तों कि सऊदी अरब को प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित कीजिए अथवा इजराइल के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का वर्णन कीजिए तो इन दोनों में से जो आपको पता है आपको लिख देना है दोस्तों अगला प्रश्न है पचवा की दक्षिण पश्चिम एशिया में कृषि विकास की समस्याओं का उल्लेख कीजिए अथवा इराक के जल प्रवाह प्रतिरूप का वर्णन कीजिए चाहे दक्षिण पश्चिम एशिया के कृषि भी एक विकास में जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं उनका उल्लेख 200 शब्दों में कर दें या फिर इराक के जल प्रवाह प्रतिरूप का वर्णन कर देना है आपको 200 शब्दों में अगला प्रश्न है दोस्तों ईरान की जनसंख्या का वितरण प्रतिरूप ए पर प्रकाश डालिए अथवा कुबैत की स्थिति तथा भू राजनीतिक महत्व पर प्रकाश डालिए तो इन दोनों में से जो आपको पता हो वो लिख दीजिएगा जो सुटेबल स्टे, पता हो आपको जो है अच्छे तरीके से पता हो उस वही को आपको लिखना है अगला प्रश्न है दोस्तों अखंड सा अगला अगली स्लाइड पे खंड सा है और दोस्तों खंड सा से मैं पाँच प्रश्न दिए होंगे और पाँचों में से केवल दो प्रश्न आपको करने हो, होते हैं तो नोट यहाँ पे लिखा है किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग पाँच शब्दों में होना चाहिए दोस्तों यहाँ पे देखिए सातवा नंबर प्रश्न है है। का पहला दक्षिण पश्चिम एशिया की भौतिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए तो दोस्तों प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है सातवां नंबर इसको याद कर लीजिएगा क्योंकि ये प्रश्न जो है पांचों में से एक न आएगा विस्तृत उत्तरीय में और साथ ही लघु उत्तरीय में भी पूछा जा सकता है तो ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी पर जो है पूरा पेपर ही बेस्ड है रहिए अगला है दोस्तों टर्की अथवा ईरान को औद्योगिक प्रदेशों में बांटिए तथा उनका संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत कीजिए तो दोस्तों ये भी बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है इसको भी ध्यान रखिएगा अगला प्रश्न है दक्षिण पश्चिम एशिया में खनिज तेल के उत्पादन एवं वितरण का वर्णन करना कीजिए या फिर आपको कर देना है दो और शब्द कितने है? 500 हैं पाँच सौ शब्द हैं बढ़िया लिखना है इसको उत्तर स्वच्छता पूर्वक दसवा है कि दक्षिण पश्चिम एशिया की जलवायु की विवेचना कीजिए और ग्यारहवा नंबर प्रश्न एवं लास्ट है दोस्तों इस पेपर का मतलब इस मॉडल पेपर का कि इराक का भौगोलिक वर्णन उच्चावच जलवायु तथा कृषि के अंतर्गत कीजिए तो उच्चावच जलवायु तथा कृषि के अंतर्गत करना है दोस्तों उच्चावच संबंधी भी भौगोलिक वर्णन आपको करना है जलवायु क्या है क्लाइमेट और कृषि एग्रीकल्चर भी आपको देख लेना है ठीक तो ध्यान रखिएगा दोस्तों तो ये सारे प्रश्न हैं इनमें से केवल दो प्रश्न आपको अच्छे तरीके से पता होने चाहिए उन दोनों को आप पाँच शब्दों के अंतर्गत लिख सकते हैं और दोस्तों साथ ही साथ मैं अगली वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत करूँगा द्वितीय प्रश्न पत्र का खंड बा जो है उसके तहत हम बात करेंगे और उसके अंतर्गत जो प्रश्न पूछे जाएंगे उस पर चर्चा करेंगे तृतीय प्रश्न पत्र खंडबा दक्षिण पूर्व एशिया हम बात किसकी कर रहे थे दक्षिण पश्चिम एशिया तो हम किसकी बात कर रहे थे दोस्तों दक्षिण पश्चिम एशिया तो साउथ वेस्ट एशिया की मैं बात कर रहा था अब साउथ नॉर्थ एशिया सॉरी साउथ वेस्ट एशिया आप साउथ ईस्ट एशिया के बारे में हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो के अंतर्गत और दोस्तों उसमें भी इसी प्रकार से खंड आ बा और सा होंगे ये दोस्तों जो है तृतीय प्रश्न पत्र का खंड आ हमने चर्चा किया है और इसके बाद में तृतीय प्रश्न पत्र का खंड बा चर्चा करेंगे उसके बाद में तृतीय प्रश्न पत्र का खंड शाह चर्चा करेंगे जिसके अंतर्गत खंड शाह के अंतर्गत सुदूर पूर्व एशिया तो सुदूर पूर्व एशिया के अंतर्गत हम देखेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और इसके अंतर्गत देखेंगे खंड बाग के अंतर्गत कि दक्षिण पश्चिम एशिया से रिलेटेड दक्षिण सॉरी दक्षिण पूर्व एशिया से रिलेटेड किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे और हमने आज की वीडियो में देखा कि दक्षिण पश्चिम एशिया से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं तो ये तीन जो है खंड हैं तृतीय प्रश्न पत्र के ध्यान रखिएगा दोस्तों मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत